आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का जन्मदिन है। साथ ही साथ विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में निकाली गई युवा संघर्ष यात्रा का भी समापन आज होने जा रहा है, जिसके चलते नागपुर में शरद पवार का आगमन हुआ, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तो आज राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में आज संघर्ष यात्रा का समापन भी किया जाने वाला है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, पूरी मीडिया यहाँ पे है। शरद चंद्र पवार जो राष्ट्रवादी के सुप्रीमो है, उनका आगमन यहाँ एयरपोर्ट थे। राज्य के बड़े बड़े जो है पदाधिकारी उपस्थित है, उनका बड़ी मात्रा में जो है स्वागत किया गया है। गाड़ी में शरद पवार बैठ चुके हैं और उनका आगमन यहाँ हो रहा है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, जिले के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी है और ये जो है रवाना हो रहे हैं। गाड़ी में आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से अनिल देशमुख, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग आदि सभी जो है नेता यहाँ उपस्थित है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, शरद चंद्र पवार का यहाँ आगमन एयरपोर्ट पर हो चुका है और वह अभी अपने जो है शासकीय निवास स्थान पर जा रहे हैं और आज संघर्ष यात्रा का समापन है और उसी के उपलक्ष्य में वो यहाँ मौजूद हुए थे। कैमरा पर्सन अजित तुवर के साथ मैं मनीष टेमरी, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।